नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र। न्यूज वन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। 180 वर्ष पुरानी परंपरा पर कोरोना का संक्रमण नहीं निकलेंगे भगवान जगन्नाथ। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के विरोध में एनएसयूआई द्वारा प्रधानमंत्री का पुतला फूका। भाजपा पितृपुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर संगोष्ठी आयोजित की गई। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार जिला प्रशासन द्वारा निर्णय लेते हुए रथ यात्रा की 180 वर्ष पुरानी परंपरा को रोक दिया, जिसके चलते इस बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नहीं निकलेगी। जिसके बाद आज लक्ष्मण बाग में भगवान जगन्नाथ की संस्थान के पुजारी शत्रुघ्न शुक्ल द्वारा विधि विधान के साथ भगवान की पूजा अर्चना करने के पश्चात गर्भगृह में विराजित किया गया, जहां पर श्रद्धालुओं द्वारा पहुंच उनके दर्शन कर सकेंगे। रीवा में पुरी के तर्ज पर महाराजा भाव सिंह द्वारा लक्ष्मण बाग का निर्माण करा इस परंपरा की शुरुआत की थी। वहीं महाराजा रघुराज सिंह के समय रथ को रस्से से खींचा जाता था, एवं समय के बदलाव के साथ ही इस परंपरा में ट्रैक्टर का उपयोग किया जाने लगा। और दशहरे की भांति स्वयं रीवा महाराजा पुष्पराज सिंह द्वारा भगवान की सेवा में लग प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा में निकलने लगे। मान्यता यह है कि भगवान जगन्नाथ 15 दिन की बीमारी के बाद भक्तों का हालचाल जानने बहन सुभद्रा एवं बलभद्र के साथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं, जो कि इस बार नहीं होगा। वहीं मानस मंडल के अध्यक्ष अनुपम तिवारी, महेंद्र सराफ सहित अन्य भक्तजनों द्वारा गर्भगृह में विराजमान भगवान की पूजा अर्चना की गई। प्रस्तुत है जल की एवं प्रधान पुजारी शत्रुघ्न शुक्ल सहित अनुपम तिवारी सहित अन्य भक्तों से जानकारी के अंश। अपना कार्यक्रम तो 150 वर्ष से निरंतर चल रहा है। राजा भाव सिंह के जमाने से, फिर महाराजा रघुराज सिंह के जमाने से उसका विशेष महत्व रहा। परंतु मैं इस बार वैश्विक महामारी के कारण ये रथ यात्रा नहीं निकल पा रही है, क्योंकि जिलाध्यक्ष महोदय अपने प्रशासक हैं, प्रशासक जी का आदेश है कि कोरोना महामारी को देखते हुए आज रथ यात्रा नहीं निकलेगी। भगवान प्रांगण में आ करके इस बारादरी में विराजे हुए हैं, सब लोग दर्शन करेंगे। सेंट्रल स्टेशनरी का पालन करते हुए न यहाँ प्रसाद और चरणामृत इत्यादि नहीं हुए। कितने दिन तक यहाँ विराजमान हैं? आज रहेंगे, सायं काल फिर जो है तपन गर्भगृह में भगवान को स्थापित करेंगे। शुभ नाम आपका? दीनानाथ शास्त्री, पूजा पाठ बिहारी लक्ष्मण बाग। वैश्विक परिस्थितियों की वजह से इस बार रथ यात्रा का जो कार्यक्रम है वह शहर भ्रमण का नहीं होना था, और मानस मंडल परिवार इसको एक महोत्सव की तरह मनाया करता था प्रतिवर्ष, और वृहद भंडारा और ये सब कार्यक्रम होता था, लेकिन इस बार नहीं हो रहा है। इसलिए मानस मंडल परिवार के हम सब सदस्य यहाँ भगवान के चरणों में अपनी पूजा अर्चना आराधना अर्पित करने आए हैं, और भगवान से यह प्रार्थना करने आए हैं कि ये जो वैश्विक कोरोना की आपदा चल रही है उसे भगवान समाप्त करें, और अगले वर्ष भगवान धूमधाम से गाजे बाजे के साथ मानस भवन पधारें और हम उनकी सेवा पूरे पुराने वर्षों की तरह जैसे पूर्व में किया करते थे उसी तरह भगवान की सेवा करेंगे। हम सब सदस्य यहाँ आए, भगवान की पूजा अर्चना किया, और भगवान से यही आग्रह किया, विनती किया, निवेदन किया कि ये जो कोरोना की आपदा है इसको वो समाप्त करें, और सारे विश्व में सारे वो तो खुद भी जगत के दाता हैं, जगन्नाथ हैं, जगत पिता हैं, वो सारे जगत में जो आपदा आई है उसको अपने आशीर्वाद से, अपनी कृपामयी दृष्टि से समाप्त करें, और समस्त जगत को धन धान्य से परिपूर्ण करें, लोगों को स्वस्थ करें, और लोगों को चिरायु का आशीष प्रदान करें। मैं यही कहूँगा कि तिवारी जी के मानस मंडल अध्यक्षता में ये कार्य होता रहा, और कई वर्षों से ये शुरू किया हम लोगों ने। पहले आज 7-8 साल पहले हमारे सत्यनारायण गुप्ता थे कोषाध्यक्ष, उन्होंने कहा नहीं जगदीश स्वामी का यहाँ पहले मंदिर वह स्कूल में पधारते थे मार्टन स्कूल में, फिर हम लोगों ने इसको अपने मानस मंडल में स्थान दिया गया। पधारे, रात भर रहते, विश्राम करते हैं, सुबह वहाँ से विदाई होती है और सुबेरे भंडारा होता है बहुत बृहत रूप से कम यहाँ 10-20 हज़ार आदमी आता है प्रसाद लेने, और बड़े अच्छे ढंग से मनाया जाता है, और फिर दूसरे दिन शाम को विदाई की जाती है भगवान की। हम सभी मानस मंडल के सहयोग से सब ये कार्य होता रहा और होता रहेगा, और ये आपदा की वजह से, ये कोरोना की वजह से नहीं हो पाया इस साल, अगले साल भगवान चाहेंगे तो इससे और अच्छे ढंग से होगा, दुगने से करेंगे हम लोग। इस साल की कमी पूरी कर अगले साल इस साल की कमी अगले साल पूरी करेंगे।
सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत निपनिया बनिया तालाब में आज एक युवक रजनीश विश्वकर्मा पिता भरतलाल विश्वकर्मा निवासी गुलाटी बकिया हाल मुकाम बनिया तालाब का शव मिला, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा मर्म कायम कर शव परीक्षण करा परिजनों को सौंपा। जानकारी के अनुसार मृतक 21 जून को प्रातः शौचालय के लिए निकला था और वापस न आने पर परिजनों द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी। प्रस्तुत परिजन एवं थाना प्रभारी ओंकार तिवारी से जानकारी के अनुसार कहाँ रख निवासी कहाँ के हैं ये गुलाहटा बकिया गुलाहटा। ये कैसे घटना हो गई है? ये सुबह लेटरिंग गए थे तो क्या चाहे 7 बजे टाइम मैं भी उन्हीं के साथ चलने वाली थी। वो बोले साइकिल में चले जाओ, साइकिल ले आओ। उसके फिर मैं उसके पास गया तो ढूंढा चारों तरफ नहीं मिले, गड्ढों में जाके देखा तो नहीं मिले चारों तरफ। फिर उसके बाद ढूंढने लगे चारों तरफ। आज सवेरे ही घटना ये? हाँ नहीं, ये इतवार की है, मतलब कि रविवार की। हाँ रविवार की आज मिले है ये सब। हाँ, आज मिले है। पुलिस आई थी देखी? पुलिस, हाँ, पुलिस आई है और मौके पे जांच की। हाँ मौके पे जांच की पहुँच की। क्या काम करते थे ये? ये पढ़ाई लिखाई कर लिए थे, बस नौकरी की तलाश में। और जो बॉडी मिली है वो रोहित विश्वकर्मा नाम के लड़के की है। उसके परिजनों ने दिनांक 21/6 को थाने पर रिपोर्ट कराई थी कि उनका लड़का श्रीबांध की ओर फ्रेश होने के लिए गया हुआ था, जो नहीं आया है, जिस पर से गुम इंसान कायम कर जांच की गई थी। आज उसकी डेड बॉडी उसी बांध में मिली। संभवतः शौच क्रिया करते समय वो फिसल गया और जिससे की मृत्यु हो गई। कोरोना संक्रमण एवं लॉकडाउन के चलते जहां लोगों का काम काज ठप हो गया, वहीं बहुत से लोग बेरोजगार हो गए एवं पाई पाई के लिए मोहताज हो रहे हैं। वहीं केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार गिर रही पेट्रोल डीजल कीमतों के बाद भी पूरे प्रदेश में एवं देश में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में जोरदार वृद्धि हुई। 89 रुपए लीटर बिकने वाला पेट्रोल 89 रुपए हो गया, जिसका विरोध आज NSUI छात्र संगठन के जिलाध्यक्ष अनूप सिंह चंदेल एवं मंजुल त्रिपाठी के नेतृत्व में पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता द्वारा कालेज चौक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। प्रस्तुत एक झलकी एवं अनूप सिंह चंदेल से जानकारी के अंश। लेकिन मांगों को लेकर के आप लोग ने पुतला दहन किया है? पिछले 15 दिन से लगातार डीजल और पेट्रोल की जिस तरह से रेट बढ़ाए जा रहे हैं, केंद्र की भाजपा सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के ऊपर इस कोरोना महामारी जो हमारा देश पूरा आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, आज हमें पिछले 15 दिन से डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल का रेट लगातार गिर रहा है। इसके बाद भी केंद्र की भाजपा सरकार जो जनहित ऐसी अपने आप को कहती है, लेकिन आज इस दौर में आर्थिक की मंदी दे रही है, आर्थिक बोझ दे रही है डीजल पेट्रोल को लेकर। हमारी मांग है, नरेंद्र मोदी जी का हमने पुतला जलाया है और ये मांग करते हैं कि इस कोरोना महामारी में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद करिए और इस आर्थिक दौर में डीजल पेट्रोल का रेट कम होना चाहिए। यही UPA गवर्नमेंट में जो डीजल पेट्रोल का दाम 50 से 60 रुपये हुआ करता था, आज 90 रुपये के पार पहुँच गए। NSUI ने आज पुतला दहन किया है और अगर जल्द से जल्द रेट डाउन नहीं होता है, रेट कम नहीं होता है, तो आगे भी इस तरह से धरना प्रदर्शन और कार्यक्रम करते रहेंगे। सब नाम बताओ। मेरा नाम अनूप चंदेल है। प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल आज अपने अल्प प्रवास पर रीवा आए, जहां उन्होंने मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के निज निवास में पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान श्री सिंह द्वारा चीन एवं भारत की हिंसक झड़प को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में ही आवश्यक एहतियातन कदम नहीं उठाए जाने के कारण
रीवा के दीपक सहित 20 जवानों को अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ी। वहीं प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना चलते जहां गरीब एवं मध्यम वर्ग अपनी रोटी रोजी के लिए परेशान हो रहा, वहीं सरकार द्वारा लगातार डीजल एवं पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि की जा रही है एवं लोगों की कमर तोड़ रही है। उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। वहीं अपने चुनाव लड़ने के प्रश्न पर चुनाव न लड़ने की बात कह पूर्ण विराम लगा दिया। प्रस्तुत है वार्ता के अंदर दो मुद्दे बड़े ज्वलंत, तीन जो आनंद आ रहा है वो एक अलग। कुछ दिन पहले तक जो व्यक्ति छाती ठोकते थे 56 इंच, इतना बड़ा चीन का घुसपैठ हिंदुस्तान की धरती हुआ, ये तो इंटेलिजेंस फेलियर रहा या नज़रअंदाज किया, ये भ्रम में मोदी जी थे अपने देश के, स्वतंत्र देश के इतिहास में कोई भी देश का नेता इतनी बार चीन न गया जितनी बार मोदी जी गए और वहाँ के चीन के प्रधानमंत्री को यहाँ पर उन्होंने अहमदाबाद तक में भाईचारे का स्वागत किया। अपने बीच इसी जिले का भी एक शहीद हुआ दीपक सिंह, और ये हालत न होती यदि सरकार सही समय पर सही कदम उठा ले। एक महामारी की चपेट में है, मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चल के अपना धंधा छोड़ के चला रहा है, रोजी रोटी छोड़ के चला रहा है, दुकानदार परेशान, छोटे मोटे धंधे सब बंद। उस बीच में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल माइनस के भाव में बिक रहा, हिंदुस्तान में इतने कम समय में इतनी बड़ी वृद्धि शायद ही कभी हुई। आज जो पेट्रोल और डीजल के भाव अपने यहाँ हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी में इतना बढ़ोतरी हुई है और देशों में घटाया गया है, और इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने आह्वान किया ही है, लेकिन आम जनता भी इस बात को उठाना चाहिए कि सबसे मोटरसाइकिल से लेके बड़ी गाड़ी वाला, ट्रक वाला, सभी परेशान है। जहाँ अर्थव्यवस्था चौपट हो रही हो, आमदनी हम सबकी कम हो गई हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सब इस चपेट में है। इस समय इतना और बोझ लादना कि कतई उचित नहीं। राजनीतिक रूप से प्रदेश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में उपचुनाव होने जा रहे हैं और पैसे लेके गया है, और ये तो पहले सिर्फ चर्चा थी कि पैसे की बात हो रही थी, अब तो शिवराज सिंह जी ने सील मोहर लगा दिया। वो अपने आप को बचाव करते हुए कह दिया हमें ऊपर के दो लोगों ने कहा तब हमने गिराई, अब ऊपर वाले उनका हिसाब किताब करेंगे ना करें वो अलग जाने, लेकिन ये प्रमाणित हो गया है कि लेन देन की वजह से सरकार की ये एक बहुत ही काला दिन है देश के। और मात्र भाजपा को एक राज्यसभा सीट और चाहिए, तो मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी संख्या में कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीते, उसकी बात नहीं। यदि कोई ऐसा कोई कांग्रेस का आदमी जो भाजपा में चला गया हो वापस आना चाहता है, उसकी घर वापसी है, मैं विनत मानूंगा, कोई बात नहीं। एक लक्ष्य है 24 सीट का चुनाव। भाजपा सोचो आप क्या करें, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पा रहे। भाजपा के कितने विधायक आपके संपर्क में? देखिए जो कुछ गोपनीय है वो मैं खुलासा नहीं करना चाहता, पर्याप्त मात्रा में है। सुर्खी की बदनावर चर्चा हो रही बार बार, ये आप लोग की उपज है कि हमें इतने लायक समझते हो कि दो दो जगह से नाम। वैसे आपकी जानकारी कि दो जगह नहीं है, करीब 6 जगह से है। मतलब ये संभावना है कि आप चुनाव सुर्खी बदनावर ग्वालियर पूर्व ग्वालियर दिमनी मामोरी हो गए, एक आध और है सुहासरा
सात सीट। सुर्खी बहुत सीरियस नोट पे है ना, प्राथमिकता में वो 16 सीट भी बोले चलो चुनाव न लड़ने वाला है। तब तब तबादला उद्योग था, अब मल्टीनेशनल उद्योग बड़ा उद्योग। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक एवं पितृपुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के निर्देशानुसार प्रत्येक मंडल के पोलिंग बूथ स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बलिदान दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाना, जिसके पालन में आज भाजपा के जिला कार्यालय अटल कुंज में मुख्य अतिथि एवं वक्ता प्रदेश कार्य समिति सदस्य योगेश ताम्रकार के मुख्य अतिथि एवं रीवा सांसद जनार्दन मिश्र के विशिष्ट अतिथि में आयोजित किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष अजय सिंह, प्रज्ञा त्रिपाठी, पूर्व महापौर कमलजीत सिंह डंग सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रस्तुत संगोष्ठी की एक झलकी। सौभाग्य का दिन है हम सबके लिए, वो आज जगन्नाथ जी की यात्रा का दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले रोक लगाई लेकिन आंशिक रूप से निकालने की अनुमति दी, ये हमारे हिंदू समाज के लिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बड़े गर्व का विषय है। आज विश्व ओलंपिक दिवस भी है लेकिन हम सब इन सब की बातें नहीं करेंगे। और दूसरे श्री टेकचंद शर्मा जी, 1.5 महीने तीनों एक साथ जेल में रहे लेकिन 1.5 मिनट के लिए भी मिलने की अनुमति नहीं दी गई, वो दोनों अलग और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अलग। बिल्कुल स्पष्ट कहानी दिख रही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण से, एक विशेष वर्ग को संतुष्ट करने के कारण से, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी धारा 370 का विरोध कर रहे थे, इस कारण से योजना बनाकर उनको अलग करना चाहा और उन्होंने उस योजना में वो सफल हुए और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को अपने रास्ते से अलग कर दिया। आज जो षड्यंत्र रचा गया वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। डॉक्टर साहब की तबीयत खराब होने के बाद एम्बुलेंस नहीं बुलाई गई, जो सार्टकट रास्ता था वो नहीं तय किया गया, एक खटारा एम्बेसडर कार में लादकर जो 3 किलोमीटर की यात्रा थी उसको 12-14 किलोमीटर घुमाकर गंदी सड़क से लाकर उनको अस्पताल लाया गया। इसलिए लगता है कि कहीं ना कहीं ये उनके षड्यंत्र करके उनकी हत्या की गई है। आज के ही दिन 23 जून को जिस दिन उन्होंने अंतिम सांस ली, 4 जुलाई को कुछ ही दिन पश्चात उनकी माता जी ने, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से अच्छे से परिचित थी, जवाहरलाल नेहरू जी भी जानते थे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी की माता जी हैं, वो भी पढ़ी लिखी थी, संपन्न परिवार की थी, विदुषी थी, विद्वान थी, उन्होंने लिखित में पत्र दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि मैं चाहती हूँ कि इसकी जांच कराई जाए, मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ षड्यंत्र है। 4 तारीख को लिखे हुए पत्र का जवाब अगले ही दिन 5 तारीख को नेहरू जी लिख के दे देते हैं उनकी माता जी को, मैंने पता लगा लिया सब ठीक है, कोई षड्यंत्र नहीं रचा गया। आप कल्पना कर सकते हैं, एम्बुलेंस नहीं बुलाना, लंबे रास्ते से उनको लाकर एडमिट करना, डॉक्टर का समय से नहीं पहुंचना और अचानक ये घोषित कर देना कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं रहे, ये निश्चित रूप से हम सभी के लिए बड़े दुख की बात। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें पर पुनः, 180 वर्ष पुरानी परंपरा पर कोरोना का संक्रमण, नहीं निकलेंगे भगवान जगन्नाथ। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के विरोध में NSUI द्वारा प्रधानमंत्री का पुतला फूका। भाजपा पितृपुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर संगोष्ठी आयोजित की गई। आज की खबरों में बस इतना ही, कल्पना उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।